आज हम अफजलगढ़ ब्लॉक में पहुंचे हैं, जहां पर किसानों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया है। यहां पर काफ़ी लोग, यहां पर किसान मौजूद है, और अब हम सीधे जहां पर धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे हैं, किसान आए वो गांव से क्षेत्र से, हम सीधे वहां पर चलते हैं। काफ़ी संख्या पे यहां पर किसान आए हुए हैं। किसानों की यही मांग है, जो सरकार ने अभी तक बिल पास किया था वो अब वापस नहीं ले रहे किसानों को, उसी चलते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, और हम सीधा वहाँ पर ग्राउंड पे चलते हैं। संख्या में यहाँ पर किसान पहुँचे हैं, और किसानों का सिर्फ यही है, जो बिल किसानों ने लिया है वो किसान वो बिल वापस ले रहे। जब भी यहाँ पर किसान है, काफ़ी मौजूद है, उनसे थोड़ी हम बात भी करेंगे। काफ़ी किसानों में आक्रोश है, और यहाँ पर जो किसान अध्यक्ष है वे वहाँ से उस किसानों को वार्ता करते हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा यहाँ पर ग्राउंड का माहौल दिखाया जाए, और अब थोड़ा यहाँ पर किसान मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे हम। क्या जो किसानों के जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये किसान काफ़ी दिनों से रोड पर है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सरकार बिल वापस लेगी? काले कानून जो 3 लाई है ये बहुत गलत लाई है, इन्हें रद्द करना चाहिए, 3 कानून रद्द होने चाहिए। सर ये जो किसान सर गवर्नमेंट आए दिन तारीख पे तारीख देती है, आज नहीं कल नहीं, तो इसके क्या किस नज़रिए देने जाते हैं, क्या वजह हो सके? बस चाल है उनकी, किसान इधर उधर हो जाए, पर किसान इधर उधर नहीं होने का, ये 3 कानून वापस करा के ही जाएगा। सरकार क्यों इतनी देरी कर रही है 3 कानून ये वापस लेने? सरकार की चाल है, नहीं करना चाहती, पर किसान करा के रहेगा। उनसे हम सीधे बात करेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान मौजूद है। हम चाचा से बात करें। जी चाचा, सत श्री अकाल। चाचा क्या नाम है आपका? धनजीत सिंह। सर जी, सो यहाँ पर किसानों ने करीबन आज 10-12 दिन हो गए धरना प्रदर्शन चला है, मगर सरकार बिल वापस नहीं ले रही। सर इस पे क्या क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो बिल वापस करवाना चाहते हैं बस। क्या वजह है रोज तारीख पर तारीख देते हैं? तारीख में तो इनका काम ही सरकार का तारीख देने का है, क्यों नहीं ये वापस ले रही? क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह का ही अपने सरमाएदारों को, बनियों को फायदा पहुँचाना चाहती है बस, किसान को नहीं। किसान तो आए दिन ये रहता है, ने किसानों के लिए MBS जो निकाला है इन्होंने, ये इसके क्या है, इस क्या वजह है, क्या चीज़ है ये? नहीं, पहले इससे पहले धान 1800 बिकता, आपके 800 को 900 रुपये को बिका धान आपके जी। अगर ना कानून लागू होता तो हमारा 1800 को बिकता जी, इसी कारण बस। और कुछ जी, और भी किसान है उनसे मालूम है जी। ये भूतपूर्व प्रधान बलकार सिंह जी, हम केवल एक चीज़ पूछना चाहते हैं सरकार से, अगर पेट हमारा दर्द होता है तो दवाई वो कैसे दे देंगे? दवाई तो हम ही लेंगे ना, जब हम ये काले कानून चाहते ही नहीं है तो सरकार क्यों थोपना चाहती है हमारे पे? ये तो एक ज़बरदस्ती होगी ना भाई। अब हमारी फसल है, ये बिचौलिया निकालने चाहते हैं, बिचौलिया बांटने चाह रहे हैं, जो हमारी फसल 1800 कुछ रुपए तय हुआ, अभी हमें 1200-1200 रुपया, 1000-1000 रुपया मिल गया है, तो क्या फायदा हमें हुआ? ये तो खुद ही गवर्नमेंट करवा रही है हमें, इसलिए काले कानून बिल्कुल भी नहीं चाहते। कुछ पार्टी के लोग कहते हैं नहीं ये तो क्या नाम ले, दूसरी विपक्ष पार्टी वाले किसानों को भड़का रहे हैं, इसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, किसान किसी राजनीतिक पार्टी से बिल्कुल जो तालमेल रख ही नहीं रहे, कोई ज़बरदस्ती घुसता है तो उसको हम नहीं कह सकते। क्यों तारीख पे तारीख दे रही है, क्या वजह है इसकी? क्या एक टालना चाहते हैं किसी तरीके से, संघर्ष मट्ठा हो जाएगा, ये बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। जैसे पहले धरना प्रदर्शन किया किसानों ने, 6 लोगों के साथ मीटिंग की थी, उसी तरह से भी सरकार के एरिया ने फिर 6 तरह से इस तरह से मीटिंग ले जाएगी, इसको क्या कहना? ऐसा कुछ नहीं है, ये गुमराह कर रहे हैं बैठा के, कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि किसानों को कुछ दे दिया जाए। एक अब जब 1009 में आई है तब क्यों गवर्नमेंट पीछे को भाग रही है? हम तो ये चाहते हैं काला कानून बिल्कुल खत्म होना चाहिए। काफ़ी जी सर, बताइए जी। जी सर, ये धरना प्रदर्शन चल रहा है काफ़ी दिनों से, चल रहा है यहाँ करीबन 12-13 दिन हो गए, मगर सरकार कुछ भी बिल वापस लेने मुझे लगता है दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रही, क्या वजह हो सके सर? सर बिल अब वापस होगा, अब पूरा पंजाब ही नहीं पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे है, हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड,
पूरी दुनिया में, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह सारे किसान, सारे जितने भी किसान बैकग्राउंड को जो रिलेटेड हैं बंदे, वो सारे सड़कों पे हैं। सरकार ने बोला है कि इस बिल के खिलाफ अगर कोई किसानों को, जैसे बिल पास कर दिया इन्होंने कि किसानों को दिक्कत है, किसान कोर्ट में नहीं जाएंगे, SDM पे जा सकते हैं, DM पे नहीं जा सकते हैं। सरकार ने किसानों के लिए कोर्ट बंद कर दी, लेकिन किसानों ने क्या किया है, किसानों ने सड़कों पे कोर्ट खोल दिया। ये कोर्ट है, अगर किसानों, अगर सरकार ने हमें कोर्ट में घुसने से मना कर दिया ना, तो किसानों ने सड़कों पे कोर्ट खोल दिए। अब यहाँ पे सुनवाई चलेगी, ठीक है जी, अब सरकार की नहीं सुनेंगे। सरकार तो इस टाइम सनी देवल बनी बड़े, तारीख पे तारीख देने पे लगे बड़े। तो भी किसान अमरीशपुरी बना है किसान अमरीशपुरी बना है सर। अमरीशपुरी से बड़ा विलेन कोई नहीं था, हम किसान विलेन नहीं है, लेकिन हम सरकार की आंखें अच्छे से खोलेंगे, बढ़िया करके खोलेंगे। किसानों को अन्नदाता बोलते हैं, ठीक है जी, यानी जो खिलाता है। अबे जो तुम्हें खिलाता है तुम उसी को सिखा रहे हो, ठीक है। फसल हम बोते हैं, हम काटते हैं, हम पूरे भारत का नहीं दुनिया का हम पेट भरते हैं। जब फसल हम काटना जानते हैं, हम फसल बोना जानते हैं, हम लोगों का पेट भरना जानते हैं, तो फसल बेचना भी तो हम जानते हैं ना। अब तुम हमें फसल बेचना बताओ इंस्टाग्राम पे। ये जो मोदी है, ये जो अमित शाह है, या जितने भी BJP के लीडर हैं, एक लीडर का बैकग्राउंड बता दो जो कृषि से, जिसका बैकग्राउंड है, किसी को पता ही नहीं, ABCD पता ही नहीं सर किसी को कृषि की, ठीक है जी। अब हम किसान हैं, हम पुलिस के महकमे के बारे में नहीं बोल सकते, हमें नहीं पता। हम फौज के बारे में नहीं बोल सकते, हमें नहीं पता, ठीक है जी। हमें किसानी के बारे में पता है, तो किसानी के बारे में हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, ठीक है जी। काफी आक्रोश है किसानों में, काफी गुस्सा है किसानों में। तो ये बिल पास ही किए जा रहे हैं, किसानों के खिलाफ है, किसानों के हक में होने चाहिए। और ये किसान के साथ जो हो रहा है, धक्का हो रहा है, कहने का मतलब ये है। सरकार तो बोलते हैं किसानों के हक में बहुत अच्छा बिल पास किया है, किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। बिल पास किए हैं, मतलब जो ऑर्डिनेंस पहला इन्होंने पास किया है कि मतलब हम अपनी फसल, वो कहते हैं कि मंडी के बाहर हमने एक और मंडी खोल दी है, मंडी में थोड़ा रेट कम मिलेगा, बाहर ज़्यादा मिलेगा। अगर वो हमारा व्यापारी पैसा नहीं देगा तो हम इसके केस नहीं कर सकते, अपने पैसा लेने के लिए हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। तो क्यों किसान आए दिन तारीख पर तारीख सनी देवल बनी पड़ी है सरकार, क्यों ने किसानों के बैठ के एक बार बैठ के सही तरह से उसका सोल्यूशन निकाले, क्या वजह है? किसान से जब वो बात ही नहीं करना चाह रहे तो फिर किसान क्या करे? दो तीन बैठक तो उनके साथ भी हुई मगर उसका कोई रिजल्ट निकला। अब 9 तारीख है, कल भी किसान वहाँ पर जाएंगे तो उसके को क्या होता है, मानना तो पड़ेगा, नहीं तो किसान तो पीछे हटने वाला है नहीं ना। फिर किसानों में काफ़ी आक्रोश है और काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं किसान हमारे भाई, और गुस्से की पूरी पक्की बात भी है। किसान अपनी मेहनत करता है रात दिन, 24 घंटे ठंड हो क्या गर्मी हो, बराबर मेहनत करता है, उसका मूल भाव भी नहीं मिलेगा तो किसान तो अपना आक्रोश दिखाएगा। और हमारे भाई जी और भी है, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद। ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये धरना प्रदर्शन तो भाई रोड पे लागे, मोदी जी कह रहे थे कि तुम घरों में रहो, हम रोड पे अपने आप ले आएंगे, आ गए सारे लोग। मुझे मोदी जी का ही ये एक सपना था कि रोड पे लाऊंगा तुम्हारे को, आ गए हम बस ये पता। जो मोदी जी ने कहा था सबको रोड पर ला देंगे, तो वो रोड पर आ गए। बहुत अच्छी किसान का है जो मोदी जी ने कहा था जी हम रोड पर लाएंगे, तो रोड पर आ चुके हैं। मैं आजाद न्यूज़ TV और से जाहिद हुसैन।